वेलकम 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 टू द चैनल नॉलेज की लाइब्रेरी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन कैसे देते हैं और एनिमेशन के साथ साथ पावर पॉइंट को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। आज के ज़माने में कंप्यूटर सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई बड़ा काम करना, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो या फिर आपने कंप्यूटर सीख लिया है, मतलब आपने एक बहुत ही बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया अपने लाइफ के अंदर, ठीक है। तो फॉर ऑल द बिगिनर्स दिस वीडियो विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू गिव एनिमेशन टू द पावर पॉइंट एंड हाउ टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव। दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द बिगिनर्स एंड द लर्नर्स ऑफ द कंप्यूटर एग्जाम, ओके। सो फॉर टीचिंग यू इन एन अट्रैक्टिव एंड एफिशियंट वे इन विच यू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड वन रेस फॉर यू, वन गेम फॉर यू आई हैव प्रिपेयर्ड, ओके। अ रेस इज ऑर्गेनाइज टूडे, लेट्स सी हु विन्स। दिस आर द थ्री कॉम्पिटिटर्स हु विल कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर एंड दे विल रीच टू द एंड लाइन। इनको जीतना है और देखते हैं कि आज रेस में कौन जीतता है, ठीक है। तो हमारा ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें हम अभी एनिमेशन देंगे। मैंने ये सब कुछ आपके लिए बना के रखा है रेडीमेड। इसको आप चाहिए तो आप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये इफ़ेक्ट्स कैसे देते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, ये जो तीनों रेसर्स हैं उनके बीच में हम कॉम्पिटिशन कराने के लिए एनिमेशन डालेंगे। जब तक पावर पॉइंट में एनिमेशन नहीं है, पावर पॉइंट के अंदर जान नहीं है, आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, गो टू द एनिमेशन टैब, कस्टम एनिमेशन पे जाओ। देखिए कस्टम एनिमेशन पे जाके आपको क्या करना है कि आपको, एक मिनट में आपको, ठीक है, कस्टम एनिमेशन पे जाके आपको क्या करना है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए। तो मैं फर्स्ट को ओपोनेंट, ये तीनों का जो फर्स्ट ओपोनेंट है दोनों का, सॉरी, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एड इफेक्ट में जाके मोशन पाथ में जाके मैं इसको ड्रॉ कस्टम पाथ में लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मोशन पाथ का यूज़ क्या होता है कि इससे आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मोशन पाथ ड्रॉ किया, आपने प्रीव्यू देखा ये कैसे यहाँ पे चले गया, ओके। सेकेंड चीज़ क्या करनी है आपको, सेम टू सेम इसके लिए भी करना है, एड इफेक्ट मोशन पाथ ड्रॉ मोशन कस्टम पाथ एंड लाइन। यहाँ पे भी मैंने ये लाइन खींच दी, तो यह हमारी बस भी दिखा रही है आपको प्रीव्यू। थर्ड चीज़ आपको सेम टू सेम करनी है इस कार के लिए भी, क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये तीनों का प्रीव्यू अभी आपने देख लिया, तीनों उस लाइन पे पहुँचने वाले हैं। अभी अगर मैं डायरेक्टली मेरे प्रेजेंटेशन को प्ले करूँगा ना, तो एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। मुझे क्या करना है, रेस तो भाई सबके साथ में होती है, तो मुझे तीनों को एक साथ में यहाँ पे भेजना है, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है, ओके। तो जो आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन है उस पर डबल क्लिक करो, उसके बाद डायरेक्टली गो टू द टाइमिंग ऑप्शन। टाइमिंग पे जाके आपको विथ प्रीवियस करना है, ऑन क्लिक मत करना, विथ प्रीवियस करना, ओके। डिले नहीं देना है उसको और स्पीड उसकी मीडियम रखनी है। सेकेंड थिंग आप डायरेक्टली ओके कर दो, फिर से यही सेम चीज़ आप ये लोग को भी दोहराओ, ऑन क्लिक को हटा के विथ प्रीवियस करना है। विथ प्रीवियस मतलब इसके साथ में ये जाएगा, अगर यहाँ पे मैं आफ्टर प्रीवियस क्लिक करता हूँ ना, तो पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, तो मुझे वैसा नहीं करना है। विथ प्रीवियस क्लिक करो, टाइमिंग्स रखो उसकी सेम एंड ओके पे क्लिक कर दो। ये आपको प्रीव्यू दिखा, सेम टू सेम यू हैव टू डू फॉर ऑल द थ्री ओपोनेंट्स। यहाँ पे विथ प्रीवियस सिलेक्ट करो, डिले नहीं देना है उसको एंड डायरेक्टली क्लिक ऑन द ओके टैब एंड यू कैन सी द प्रीव्यू। नाउ दिस इज़ ऑल्सो एन इफेक्ट जो मैंने बल्ब बनाया है, ये सारे भी मैंने क्लिप आर्ट्स से निकाले हैं। अगर आपको ये सारे क्लिप आर्ट्स आपके कंप्यूटर में नहीं मिलते, तो आप ऑनलाइन गूगल पे इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इनको आजू बाजू में एक दूसरे से शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। एड इफेक्ट में जाऊँगा, एम्फेसिस में जाऊँगा और फ्लैश बल्ब के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये ऐसे बल्ब्स हैं ना, तो ये ग्लो करने चाहिए। इसको मैं क्लिक करके एकदम टॉप पे लेके आऊँगा। टॉप पे क्यों लाना है, क्योंकि बल्ब अगर रेस ख़त्म होने के बाद में ग्लो करेंगे तो हमारे प्रेजेंटेशन का कोई यूज़ ही नहीं है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा, किया, आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम के ऑप्शन पे क्लिक करो, टाइमिंग ऑन विथ प्रीवियस कर दिया, ओके। स्पीड मैंने रखी है रिपीट होना ही है, तो रिपीट में सपोज़ अनटिल नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक कर दूंगा, या तो फिर आपको जितनी बार रिपीट करवाना है उसको रिपीट करवा सकते हैं, 3 times 4 5 6 etc. sorry 10 ऐसा,
तो अनटिल नेक्स्ट क्लिक पे मैंने क्लिक कर दिया एंड देन क्लिक ऑन द ओके टैब, तो इस तरीके से ये ग्लो करते ही रहेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द रेस, लेट्स सी हु विंस। गिव द एनिमेशन टू द स्लाइड ऑल्सो, ओके, गिविंग एनिमेशन टू द स्लाइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो नाउ वी विल प्ले आवर रेस एंड होप यू हैव लर्न हाउ टू गिव द एनिमेशन टू योर पावर पॉइंट सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव एंड ग्लोरियस। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एक डाल देता हूँ, हमारा जो फर्स्ट पेज है। ये जो एनिमेशन आप डालते हो इसकी भी स्पीड आप कम या स्लो कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये कितने फटाक से हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्लो चाहिए। तो आपको क्या करना है, ट्रांजिशन स्पीड पे जाना है, ट्रांजिशन स्पीड पे जाके स्लो या मीडियम पे क्लिक कर दो। अगर मैं स्लो पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा आएगा, विच इज़ परफेक्ट। यहाँ पे भी फास्ट में क्लिक करने के बजाय आप स्लो पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, एडवांस स्लाइड का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली प्ले होना चाहिए। सो आई विल रिमूव द टिक। अगर मैं यहाँ पे टिक रिमूव कर देता हूँ इसका मतलब कि ये अपने आप ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम, एक के बाद एक स्लाइड्स आती जाएंगी और आपको एंटरटेनमेंट करती जाएंगी, प्लस एजुकेशन नॉलेज सॉरी वो भी देती जाएंगी। ठीक है, तो नाउ इट्स टाइम फॉर द रेस, गेट रेडी टू सी कि इन तीनों हमारे ओपोनेंट्स में से कौन जीतता है, एक दूसरे से कौन आता है फर्स्ट, ये ऑब्जर्वेशन आपको देखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 5 4 3 2 1, प्रेस F5 फॉर द एनिमेशन एंड फर्स्ट स्लाइड प्रेजेंट हो गई, सेकंड स्लाइड प्रेजेंट होनी जा रही है। 5 4 3 2 1, फिर से देखना चाहते हो क्या हुआ तो आप वो भी देख सकते हो। यह हमारी फर्स्ट स्लाइड आई, देखते अभी फिर से कौन जीतता है, आपने शायद देखा नहीं होगा। फिर से देखना चाहते हो, अगर आप देखोगे तो हमारा बस और कार दोनों के बीच में ड्रॉ हुआ, हमारा ये जो ट्रैक्टर है उसके वो थर्ड आया है। अगर ऐसे देखने जाए तो फर्स्ट ये दोनों है, यानी इन दोनों के बीच में फिर से मैच होगा, और जो थर्ड है वो तो बेचारा थर्ड है ही। फिर से आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो ये दोनों फर्स्ट आए हैं एंड दिस इज सेकंड, सो वी हैव सीन द गेम। और ये देखिए, ये जो बल्ब है ये, इसका भी इफेक्ट मैंने आपको दिया था ना, तो ये एनिमेशन भी आप देख सकते हो इसमें। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट के अंदर जितने चाहे उतने अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। इट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन टू योर ऑडियंस एंड मेक अ लाइकेबिलिटी इफेक्ट इन द पीपल्स माइंड हु आर व्यूइंग योर प्रेजेंटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगर पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये है हमारा नॉलेज की लाइब्रेरी चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड लर्न एवरी मिनट।